एक कॉमन क्वेश्चन जो लॉ स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि सर मुझे तो जज बनना है, और जब मुझे जज बनना है तो इंटर्नशिप करके क्या फ़ायदा? क्या मुझे इंटर्नशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? और यदि करनी चाहिए तो जज के अंडर करनी चाहिए, एडवोकेट के अंडर करनी चाहिए? ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में यदि है तो आप इसको समझिए। चाहे आप जज बने या एडवोकेट बने, अच्छे जज बनने के लिए, अच्छे अधिवक्ता एडवोकेट बनने के लिए आपको इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब जज बनेंगे तो ऐसे सैकड़ों केसेस हर दिन आपके कोर्ट में लिस्टेड होंगे। कम समय में उसका डिस्पोजल कैसे करना है वो तभी आप कर पाएंगे जब लॉ के नुआंसेस को आप समझेंगे। यदि नहीं समझेंगे तो एक ही केस में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, फिर कैसे करेंगे? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि आप इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन, चाहे आप वकालत करें या जजशिप करें, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको इंटर्नशिप करनी ही चाहिए ताकि आप लॉ के नुआंसेस को समझ पाएं। एक बात तो यह है, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जज के पास करें या एडवोकेट के पास करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप शुरुआत में एडवोकेट के अंडर कीजिए, क्योंकि एडवोकेट एक केस को प्रिपेयर करने में काफ़ी समय लगाते हैं, एक एक चीज़ उनको पता होता है, तभी जज साहब के पास प्रेजेंट किया जाता है और जज साहब दोनों पक्ष को सुनते हैं और उसके बाद डिसाइड कर देते हैं। उनके पास जो चीज़ें दी जाती है वो बनी बनाई होती है, दोनों काउंसिल दोनों एडवोकेट अपने केस को ढंग से पढ़ के बनाते हैं और उसके बाद प्रेजेंट करते हैं। तो जज का जो काम है, उनका जो नेचर है काम का, वो अलग है, और वकील का जो काम का नेचर है अलग है। दोनों जस्टिस डिलीवरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों का जो काम करने का तरीका है बिल्कुल अलग है। तो आप दोनों का एक्सपीरियंस चाहे तो ले सकते हैं। शुरुआत में वकील के अंडर आप इंटर्नशिप कीजिए, आपको दूसरे साइड बेंच के साइड पे थोड़ा एक्सपीरियंस करना हो तो आप एक आध इंटर्नशिप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि इससे कुछ जरूर नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।